आइए और जानकारी लेते हैं कि क्या मांगे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम विकास गौर, मैं स्वतंत्र मजदूर यूनियन का उपाध्यक्ष हूं और साथ ही स्वतंत्र रेलवे भोजन कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं। सर आपकी क्या मांगे, किन मांगों को लेकर आप यहां दिल्ली के अंदर आए हैं? हमारी जो मुख्य मांग है कि जो SST का जो आज रिजर्वेशन प्रमोशन में आघात हो रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के माध्यम से और सरकार के माध्यम से, जो उनके संवैधानिक अधिकार है, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए थे, आज जो सरकार हमसे छीनना चाह रही है, उस मांग को लेकर आज यहाँ हम उपस्थित हुए हैं। सर एक बार आप संविधान की बात कर रहे हैं और एक तो लगता है कि संविधान खतरे में है और लोग मंच से भी बोलते हैं, क्या खतरे में इसी तरीके से है कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है? संविधान आज खतरे में, जिस तरीके से जो हमें संविधानिक रूप से जो अधिकार मिला था, जो आरक्षण मिला था, प्रतिनिधित्व मिला था, ये सरकार है वो प्रतिनिधित्व को प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से छीनना चाह रही है, क्योंकि जितनी भी सरकारी तंत्र थे उस माध्यम से SST OBC कर्मचारी को रोजगार मिल रहा था, वो रोजगार को इनडायरेक्टली प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से छीना जा रहा है। तो सर आगामी योजना क्या रहेंगी इन सब धरने प्रदर्शन को लेकर? आप पहले तो हमारे हमको कोर्ट के माध्यम से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी SLP दली हुई है, उसके साथ हम जन आंदोलन, क्योंकि अब जन आंदोलन के सिवा इस देश में कोई पर्याय हमारे लिए बचा नहीं है, उसी का ये भाग है। आज हम दिल्ली में रामलीला मैदान में आज हज़ारों की संख्या में आए हैं और हम आंदोलन करना चाह कर रहे हैं। सर जो दलित समाज से है या अनुसूचित जाति से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विधायक हैं, या उनके पास आपने कभी अपील की कि भाई हमारे साथ ऐसा रहा है? आप संसद भवन के अंदर हैं, बाबा साहब के संविधान के तहत आप वहां बैठे हुए, हमारी ये समस्या को हल करो। नहीं, सभी सांसद को जो आज की रैली है, सभी सांसद को उस बारे में लेटर लिखा, जितने भी SST के जो 150 सांसद हैं उनको भी लेटर लिखा गया, उसको भी अवगत कराया गया है, लेकिन वो सांसद होने के साथ साथ वो इस किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो इस कारण वो हमारे मुद्दे संसद में उठा नहीं रहे, इसलिए तो हम यहाँ जन आंदोलन कर रहे हैं। अगर हमारे मुद्दे संसद में ही हल हो जाते तो हमें सड़कों पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका ये मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेटिव SST के जो सांसद जा रहे हैं वो संसद में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। सर वो एक तरफ ही कहते हैं कि हम स्किल्ड की बात कर रहे हैं और हम जगह जगह जाके वो स्कूल या मतलब ऐसे इंस्टीट्यूट खोलेंगे, उन्हें स्किल्ड बनाएंगे युवाओं को, तो मतलब क्या स्किल्ड बनाने से ये समस्या हल हो सकती है? स्किल्ड बनाना एक अलग चीज़ है और रोजगार देना एक अलग चीज़ है। स्किल्ड तो जहाँ सभी लोग स्किल्ड है, सभी जो मैक्सिमम लोग इंजीनियर है, MBA कर रहे हैं, एजुकेशन तो सब लोग ले रहे हैं, लेकिन सही स्किल जो आदमी है उसको रोजगार मिल रहा है क्या? स्किल बनने के बाद भी उसको रोजगार मिलना चाहिए ना, ये एक बेवकूफ बनाने का तंत्र है। स्किल इंडिया एक बेवकूफ बनाने का तंत्र है जो स्किल्ड इंडिया के नाम पे बेरोजगारी बढ़ा रहा है। सर अभी जैसे आपने संविधान की बात की थी, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल लगभग हो चुके हैं और आज भी बाबा साहब पे जैसे पहले टिप्पणियां कसी जाती थी और आज भी टिप्पणियां कसी जा रही हैं। आपने देखा होगा कि 2-4 दिन पहले कुमार विश्वास करके एक PhD होल्डर है और कभी भी है, उसने बाबा साहब को इस तरीके से उनके महापरिनिर्वाण दिवस से 2-3 दिन पहले से टिप्पणियां कसी हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो ये गंदगी हज़ारों सालों से उनके दिमाग में है, वो अभी तक नहीं निकली। ये 70 साल की बात नहीं है, हज़ारों साल का गंदगी वो दिमाग में है, जो समय समय पर वो उठती है और वो शब्दों के रूप में बाहर आती है। इसका यही मतलब है कि जो बोलते हैं कि देश में जातिवाद खत्म हो गया, ये ऐसे वक्त तो वो ये बताते हैं कि इस देश में जातिवाद समाप्त नहीं हुआ, उतनी गहराई से वो मजबूत होते जा रहा है। इसीलिए आज SST OBC को बड़ी ताकत के साथ लड़ने की ज़रूरत है, एकजुट होकर ऐसी जातिवादी मानसिकता और जो मनवादी मानसिकता है जो समाज में विषमता फैला रही है उसको खत्म करने की जरूरत है। जब तक समतावाद और बंधुत्ववाद और स्वतंत्रवाद देश में जो संविधान की मूल धारणा है, प्रस्तावना है, जब तक वो लागू नहीं होती है इस देश में आज़ादी मुमकिन नहीं है। ये हमारे साथ धोखा है, हमारे साथ जो बात हुई थी संविधान के रूप में जो अधिकार मिलेंगे वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। वो संविधान तो लागू हो गया है लेकिन हमारे अधिकार अभी तक लागू नहीं हुए।